हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट स्ट्रेसफुल टॉपिक पे, है ना। हम लोग स्माइल करते हुए आपके बहुत मोस्ट स्ट्रेसफुल टॉपिक को आज इजी बनाने वाले हैं। सो आपका मोस्ट स्ट्रेसफुल टॉपिक क्या हो रहा है अभी? अभी आपके बचे हुए हैं 1 month एग्जाम को और आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है फिजिक्स की, राइट। सो सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम जो हो रही है वो फिजिक्स की प्रिपरेशन में हो रही है, कि आप लोग फिजिक्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे तो आप बाकी चीजें भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाली हूँ कि फिजिक्स को कैसे कवर करना है। फिजिक्स को एक्चुअली में जो फिजिक्स होती है वो 30 marks की आती है। हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 30 में से कितने मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके, है ना। और कभी भी मतलब ऐसा 50-50 में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी क्योरीज आ रही हैं कि फिजिक्स हमसे बिल्कुल नहीं हो रही है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड ऑल, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या जानना जरूरी है कि आपको फिजिक्स स्टार्ट कैसे करनी है ना। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डर के कारण फिजिक्स को स्टार्ट भी नहीं किया होगा कि इसमें तो इतने न्यूमेरिकल्स हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना जरूरी है, ओके। सो स्टार्ट करिए, फिजिक्स 30 days में भी आप कवर कर सकते हैं। हाँ, पूरी नहीं कवर कर सकते, बट इतनी स्पेसिफिक पढ़िए कि जितनी आप एग्जाम में कर पाए, है ना। अब हार्ड वर्क का टाइम बचा नहीं है, सो अब प्लीज स्मार्ट वर्क करिए, है ना। बोलते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, तो स्मार्ट वर्क करिए। अब टाइम ये है कि आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत इश्यूज आ सकते हैं, है ना। अब फर्स्ट तो आप ऐसा है कि अगर आपकी फिजिक्स से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो आप अभी से पैनिक हो जाएंगे। अगर फिजिक्स की वजह से आप पैनिक हो रहे हैं तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। सो प्लीज बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ने की बजाय आप फिजिक्स का ऐसा है कि फिजिक्स को आप थ्योरी पोर्शन भी है फिजिक्स में, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है। सो प्लीज थ्योरी पोर्शन को भी कंप्लीट करिए, कम से कम उसमें तो आप श्योर रहें कि आप जितने भी मार्क्स का आए, तो अगर 30 का आ रहा है तो 10-15 तो आएगा थ्योरी, तो एटलीस्ट 50% तो आप चांसेस रखें अपने कि हम अच्छे स्कोर कर पाएं। आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर बायो बस में स्कोर करने का सोच रहे हैं कि हमारी बायो स्ट्रांग है, हम बायो बस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सबसे पहले तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर आप बायो में 50+ भी स्कोर करते हैं, 60 marks की बायो आती है आपकी, 50+ भी स्कोर करते हैं, तो उसके बाद भी आपको बाकी के बचे हुए 3 subjects में 50-50% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। तभी आप अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर सकते हैं, अपनी रैंक ला सकते हैं। अभी भी 1 month बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। आप प्लीज फिजिक्स को सीरियसली लें और सीरियसली फिजिक्स के लिए पढ़ाई करें। और फिजिक्स को पढ़ने की स्ट्रेटेजी यही है कि अब से स्टार्ट कर दो फिजिक्स पढ़ना। और फिजिक्स ऐसा नहीं पढ़ना है कि पूरे दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स उठाओ जो कि थ्योरी पोर्शन है। न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हो, लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्वेश्चन आता ही आता है, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता ही आता है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये सब जो टॉपिक्स हैं, है ना, इजी टॉपिक्स, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी कुछ टॉपिक्स तो एटलीस्ट आप क्लियर करो, है ना। अगर आप सोच पहले ही डर के बैठ जाओगे कि हाँ हमसे नहीं बन रहा है, तो फिर आपसे बनेगा भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिक्स को बहुत इजी वे में लेकर और कंप्लीट कर सकते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ओके, या फिर बायो हो। बायो भी मतलब कुछ लोगों को बायो भी टफ लग रही होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होती है, कुछ लोग ने बायो एकदम रट के रखे होंगे कि हाँ बायो में कुछ भी आ जाए हम तो बस करके आ जाएंगे, है ना। कुछ लोगों ने इंग्लिश के लिए बहुत स्ट्रेस ले रखा होगा। स्ट्रेस को छोड़ो, एग्जाम इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है, प्लीज स्ट्रेस को छोड़ो और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन। स्ट्रेस लेना भी बहुत जरूरी है, बट प्रिपरेशन भी तो जरूरी है। अगर आप अभी से स्ट्रेस लेके, 1 month बचा एग्जाम के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्ट्रेस लेके बैठे होंगे, सो प्लीज स्ट्रेस को थोड़ा सा साइड में रखें और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी 20 units है अकॉर्डिंग टू NCERT, 10 है आपकी 11th portion की और 10 है आपकी 12th portion की, है ना।
तो अगर ये दोनों पोर्शंस को आप थोड़ा थोड़ा भी करें, तो 30 days, 15 days में भी करें, तो सफिशियंट है कि आप 30 days में से प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक्स भी आई हैं ऐसे ही प्रिपरेशन करके. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ईजी होता है कि ठीक है, उनका तो फिजिक्स फिर भी स्ट्रांग होता है. बट जो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, कुछ यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है. बट टफ कुछ भी नहीं है ना? आप उसको इजी बनाइए. आप अगर जितना स्ट्रेस लेंगे कि हाँ ये टफ है टफ है, तो वो टफ ही लगेगा आपको, बहुत ही मतलब. सो प्लीज स्मार्ट वर्क करिए और अपने आप को स्ट्रांग करिए, मेंटली प्रिपेयर करिए कि हाँ हम एग्जाम देने वाले हैं और हमें एग्जाम को क्रैक करना है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड जो क्योरीज हैं वो हट गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करा दूंगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्योरीज आ रही है कि फिजिक्स 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 नहीं, क्या ब्लंडर हो गया ना. फिजिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. सो ऑल द बेस्ट.